अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बिल्कुल नंबरदार की तरह, इवन नंबरदार। हाँ जी, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है माशाल्लाह सबा जो है वो थोड़ी सी बेहतर है और माशाल्लाह आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक है, मेरे तो सब लोग ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आप सब बहन भाई आए बैठे हैं और अभी जो है मैं सामान वगैरह कुछ इकट्ठा कर लिया, मजीद जो है वो गैस सिलेंडर और चूल्हा लेके आता हूँ। फिर किधर है ना, ये सिलेंडर इधर से पकड़ो। तो जी आज हम पका रहे हैं जी घर में एक छोटी सी सब्जी, जो कि आलू की सब्जी है, वो बना रहे हैं। क्योंकि और सारी चीज़ें बस ना पूछें कि उनको क्या हो गया है, ऐसे जहाज बन के उड़ गई हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। तो अभी आलू बनाते हैं, आलू बनाने के बाद जो है ना आपके साथ शेयर करेंगे। और क्या चाहिए? देखो जूते कहाँ? इधर इधर। और ये रहा जी बेबो, बेबो हाय बोलो सबको। सोने सोने मिठा बेबो, बेबो भी बहुत ज़्यादा परेशान था और मुझे पता है सारे बहन भाई भी परेशान थे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है वो खुशियाँ दी हैं दोबारा से और सबा जो है वो काफ़ी बेहतर है। अभी मेडिसिन तो चल रही है और कल भी मतलब हम हॉस्पिटल गए थे, आज भी फिर चेक कराने जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खोल गया सबा, उधर देखो आया। हाँ जी। आ गया जी। शुक्र है, चलो लगा दो आग। लग गई जी? लग गई। गुड, मजीद भी थोड़ा सा खोल देता हूँ। सबसे पहले जी माई वाइफ जो है वो डाल रही है घी, बस इतना काफी है, थोड़ा सा आलू है ना, ज्यादा आलू में फिर अच्छा नहीं होता। ओ हेलो मिस्टर, छेड़छाड़ ना करो, चलो आप बोलते नहीं हो ना, अभी अच्छे नहीं लगते, चलो इधर आओ, इधर आओ, गाड़ी को मत छेड़ो। ये देख ये क्या है, वो ये क्या है, ये कैमरे के अंदर देखा क्या है? तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है मैं कूट 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 के कर रहा हूँ इसको पेस्ट, वो क्या कहते हैं अदरक लहसुन, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कुटीट चुका है। और यहाँ पे जी हो रहे हैं मिसाले ऐड, कौन कौन से? सब्ज़ मिर्च बचा के नहीं, पहले प्याज खड़े भी यहाँ मैंने कोई इसके ना जो वो डाला ना घी के कतरे इधर आ रहे थे, जब करे मेरी जान बच गई। पानी भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह और मैंने ये भी पूरी तरह पेस्ट कर दिया है जी, अब आपने डालना है, ठीक है सबा जी? बहुत शुक्रिया। तो जी कल जब सबा बीमार थी ना, तो उस वक्त सीन ही कुछ अजीब था और यकीन करें बहुत ज़्यादा परेशानी थी। और उस वक्त मैं कह रहा था, अए मेरे दोस्त लौट के आ जा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। अए मेरे दोस्त लौट के आ जा,
ये तो लौटने का नाम ही नहीं ले रही थी, ये तो फिर चली जा रही थी आगे आगे आगे, बस रो ही जा रही थी, मजीद परेशानी दे रही थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर है। तो जी अभी जो हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं और अब जो हम ऐड कर रहे हैं टमाटर। बड़ी हैवी इसका होता है शोर, हैवी शोर। इसे टमाटर में पानी होता है ना, अभी मैं इसको बोलूंगा मेरा चन मसाता, इन्हें नहीं करी दावे मेरा चन मसाता, ये रुसे माशु से मावे बंदे को दसीदा मेरा चन मसाता। मैंने खुद किया था और क्या किया था मुझे सुन से भी नहीं पता निकल आया बेबी शीशे नीचे करके। हाँ गर्मी है, जोर ना दे, खराब थी ना जी। अभी हो रही है जी सबकी दुश्मन, ओ लाल मिर्च। तो अभी ऐड हो चुकी है, अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। जबरदस्त, आज सबा के हाथ का फिर टेस्टी खाना नसीब होगा, क्योंकि होटल से कल मंगवाया यकीन करें बहुत ज़्यादा अजीब सा था। मिसालें इतनी तेज़ होते हैं कि सारा दिन पानी पी पी के ना बुरा हशर हो जाता है। अभी अदरक को जो है वो पेस्ट किया, मिर्चें साड़ रही हैं जियो। ओए होए होए होए, कितने मिसालें थे कल, कितना तौफीक पानी पिया, बहुत बहुत ज़्यादा, हर पाँच मिनट बाद पूरी फ्रिज खाली कर गए। तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबा फिर से बनाने लग गई, आज फिर से मजे करेंगे। आज इसीलिए मैंने मिसाले भी नहीं ऐड किए, सही है, डॉक्टर ने मिसालों से मना किया। आपको किया ना, हमारे लिए तो कर देती थोड़े से। तो फिर हम नहीं खाएंगे खाना क्या? आपको डॉक्टर ने मना किया, आपको कहा कि भात खा भात। नहीं, उसने जो चीजें बताई है वो मुझे अच्छी नहीं लगती। उसने कहा फ्रूट खाओ, सेब खाओ, ताकत वाली चीजें बताई है, लेकिन ताकत वाली मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती। हाँ जी, तो जी अभी जो है, हम धो रहे हैं जी आलू। देवो ने टूटी चलाई हुई है और मैं जो है वो धो रहा हूँ। कपड़े बेटा, आपने कपड़े नहीं गंदे करने, ठीक है? चलो जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी आलू जो है वो हमारे धुल चुके हैं। आप करते हैं मैडम के हवाले। ये लो सर जी, डाढ़े डाढ़े धोए हैं। चलो जी, बहुत शुक्रिया। देखो सारे कपड़े खराब कर देगा यार। देखो इधर आओ, आपको टीका लगाने वाला आ रहा है, वो बाहर पानी सारा गिरा रहा है। 2-3-4 मिर्चें। ये हैं किसके लिए? मैं, मेरी बस है जी, मेरी बस। क्यों? बस, और मैं मिर्चें नहीं खाऊंगा, बेशक निकाल लो, मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा कोई और खा लेंगे, सालन में ठीक ही है बिल्कुल, सालन मैंने थोड़ा सा डाला है। अभी जी मिर्चें वो आलू ऐड कर दिए हैं, मिर्चें दिमाग पे चढ़ी हुई है। और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये ज्यादा सब्ज नहीं आते जा रही, कलर सब्ज होता जा रहा है इसका, क्योंकि सब्ज कपड़े, सब्ज कलर, सब्ज मिर्च, इसलिए सही हो गया। हाँ जी, जुम्मा की तैयारी हो गई, हाथ मुंह पैर सब कुछ धो लिए, अब कहाँ चले हैं? जुम्मे थे, ओए सदके जाऊं। चलो जी, तैयारी बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है इशफाक अहमद की, और अभी जो है ये जा रहा है जुम्मा नमाज पढ़ने के लिए, और इधर तौफीक ने भी हाथ मुंह धो लिए। मेरे साथ जाओगे या तौफीक के साथ? तौफीक के साथ। अच्छा यार, इसका ना ध्यान करना फिर, ठीक है? अपने साथ बिठाना और ध्यान करना। तो आप सबको भी जुम्मतुल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। अभी जुम्मा नमाज होने में तकरीबन जो है वो 25 से 26 मिनट पड़े हैं, 1:30 बजे, क्योंकि जुम्मा होता है, 1:02-3 हो गए हैं। माशाल्लाह जी, आलू हमारे भुनीत चुके हैं चंगे तरीके नाल, बेहतरीन तरीके नाल,
तो हूँ सबा इन ऐड करे जबरदस्त पानी ज्यादा नहीं थोड़ा सा डाले। बस एक बाल्टी डालेगी बस ये तो पानी सा हो गया ये कैसा तो मिक्स होगा अब छोरा बनेगा जी। सही हो गया बस काफी है अब हाँ। चलो फिर दम पे लगा दो इसे जी। तो प्यारे बहन भाइयों ये थी मेरी वीडियो आज की, मैंने कहा चलें जल्दी से अपलोड कर दो छोटी सी बना के ताकि बहन भाइयों को पता चले कि सबा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। तो आप सबकी दुआओं का भी मैं दिल से मशकूर हूँ, बहुत ज़्यादा सबा आपके लिए दुआएं कर रहे थे, जितने भी हमारे देखने वाले सब दुआएं कर रहे थे आपके लिए। मेरी तरफ से भी सब बहन भाइयों का दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिस के सब बहन भाइयों ने मेरी वजह से परेशानी उठानी पड़ी मेरी वजह से मतलब हुआ तो मैं माजरत करती हूँ, और सब ने दुआ की है बहुत मेरे मतलब दिल खुश हुआ है कि मेरे बहन भाई मेरे साथ हैं, मेरे मतलब दुख सुख के साथ हैं, बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं। तो आपने जो बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं आज मैं इस मकाम पे बैठी हूँ, मतलब आज मेरी तबीयत माशाल्लाह से कुछ बेहतर है और मज़ीद भी दुआ करनी है कि मैं जल्दी से जो है सेहत याब हो जाऊँ। हाँ तो इंशाल्लाह अभी जो है ये दम पे लगा दे, आलू कम्प्लीट होंगे, रोटी जो है वो भाभी को खाई है, भाभी पका रही है जी। तो अब इंशाल्लाह ताला आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते हैं जी नमाज़े जुमा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब देखने वाले जिंदाबाद जिंदाबाद जी, अल्लाह हाफिज़।